आमतौर पर पुलिस अपराधियों को पकड़ने के अलावा राजनेताओं की सुरक्षा में लगी रहती है, लेकिन इस बार पुलिस को पानी की भी सुरक्षा करनी पड़ रही है। दरअसल राजस्थान के जोधपुर में भीषण गर्मी के बीच पानी का संकट गहरा गया है। पानी के संकट को लेकर अब जोधपुर प्रशासन सख्त हो गया है। ऐसे में अब पानी पुलिस के पहरे में रखा जाएगा। शहर के सभी फिल्टर प्लांट्स पर 24 घंटे पुलिस का पहरा रहेगा। ये जो अभी पानी का क्लोजर लिया हुआ है, तो उच्च अधिकारियों के निर्देशन से यहाँ सतत निगरानी की जा रही है और सुरक्षा के लिए यहाँ जवान तैनात किए गए हैं। बाकी एकदम शांति है, ऐसी कोई समस्या अभी यहाँ है नहीं। वहीं अब मकानों के बाहर की सड़कों को धोने सहित दूसरे फालतू कामों के लिए पानी बहाने वालों की भी शामत आने वाली है। नगर निगम की टीम ऐसे लोगों से जुर्माना वसूल करेगी। इसके अलावा उचित पेयजल प्रबंधन के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम गठित की गई है। ये टीम किसी भी स्थिति से निपटने को हमेशा तैयार रहेगी। वहीं धरातल की बात करें तो महिलाओं को कई घंटों तक इंतजार करने के बाद एक घड़ा पानी नसीब हो रहा है। हमारे यहाँ पानी की इतनी तकलीफ हो रही है कि दूर दूर से पानी के लिए हमें कुएं पे आना पड़ता है, और हमारे कमर में दर्द है, हाथों में दर्द है। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके कोई व्यवस्था नहीं है पानी के लिए, तो उनको कौन पानी पिलाएगा। और आज 8-10 दिन से 15 दिन से हमारे ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं चढ़ रहा है। मोटर भी लगा ली, फिर भी हमारे यहाँ पानी नहीं चढ़ रहा है। इस किल्लत से हम इतने परेशान हो गए हैं कि बस नवचौके में आके हमने सबको बोल दिया, पर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। पार्षद साहब है, वो हमारे साथ में है। अगर उन्होंने इस कार्रवाई को पूरा नहीं किया तो फिर हमें अधिकारी का काला मुंह करना पड़ेगा और उसके उसके घर के बाहर मटकियां फोड़नी पड़ेगी। 2 महीने से यही परेशानी है। अच्छा भाई, अभी तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। मैं कुएं से लाती हूँ लेकिन मेरी बुआ नहीं लाती है, तो हम क्या करेंगे? कुछ तो हमारा सुझाव करो, नहीं तो हम वहाँ आएंगे। आपको बता दें कि पंजाब के हर हिंद फीडर से जोधपुर तक आने वाली इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनल में पिछले 2 महीनों से चल रहे क्लोजर का दायरा बढ़ा दिया गया है। जोधपुर शहर में कायलाना डैम में सिर्फ 10 दिन का ही पानी सप्लाई करने योग्य बचा है, लिहाजा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला प्रशासन ने शहर के फिल्टर प्लांट सहित जलाशयों पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। एक हेड कांस्टेबल सहित 4 कांस्टेबल हर जलाशय पर 24 घंटे निगरानी के लिए तैनात कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।